नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डब्ल्यूएम ओरिजिनल्स में। मायसेल्फ अखिल बैक विद अनदर वीडियो। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि ओरिजिनल विंडोज 11 डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस बताया था। ये वीडियो उसका ही सेकंड पार्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विंडोज 11 बूटेबल फ्लैश ड्राइव बना सकते हैं और विंडोज 11 किसी भी लैपटॉप और पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कि कैसे आप विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरा प्रोसेस कि कैसे आप विंडोज 11 को बूटेबल फ्लैश ड्राइव बना सकते हैं। इस वीडियो में हम रोफोस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जो कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिसे हम ISO बूटेबल बना सकते हैं। ISO डाउनलोड कर रखी है मैंने और साथ ही रूफोस एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए रूफोस ओपन करते हैं और मैंने पहले ही पेन ड्राइव प्लगइन कर रखी है। डिवाइस में शो हो रही है 16GB HP पेन ड्राइव। बोर्ड सिलेक्शन से हमें डिस्क और ISO इमेज सेलेक्ट करनी है। फिर ISO फाइल सेलेक्ट करने के लिए क्लिक कीजिए सेलेक्ट पर और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें से हमें ओरिजिनल विंडोज 11 डाउनलोड की थी उसकी ISO फाइल सेलेक्ट करनी है। मैंने फाइल डेस्कटॉप पर सेव कर रखी है तो मैं डेस्कटॉप पर जाकर फाइल सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद इमेज ऑप्शन से स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करना है और कोई चेंजेस नहीं करने। इसके बाद वॉल्यूम लेवल चेंज कर सकते हैं जो कि फ्लैश ड्राइव का नेम अपडेट कर देगा। यहाँ विंडोज 11 लिख रहा हूँ जिससे कि पता रहे कि कौन सी विंडोज की ISO फाइल पेन ड्राइव में है। इसके बाद और कोई चेंज ना करते हुए क्लिक कीजिए स्टार्ट पर। इसके बाद वार्निंग आती है कि कोई भी डेटा वो पेन ड्राइव में डिलीट हो जाएगा। ओके पर क्लिक कीजिए और बूटेबल फ्लैश ड्राइव बनने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ISO फाइल कॉपी हो जाती है और फ्लैश ड्राइव बन जाती है, देखिए ये जो रेडी लिखा है ये पूरा कंप्लीट ग्रीन हो जाएगा और आपकी फ्लैश ड्राइव रेडी है। आप चेक कर सकते हैं विंडोज 11 नाम से फ्लैश ड्राइव बन चुकी है और अब इसे यूज करके हम विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना इजी है विंडोज 11 बूटेबल फ्लैश ड्राइव बनाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई सुझाव है तो आप ये कमेंट में बता सकते हैं या आपको कोई इश्यू होता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो विंडोज 11 इंस्टॉलेशन पर आएगी। तो अगर आपने अभी तक डब्ल्यूएम ओरिजिनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज अखिल सेइंग गुड बाय फॉर नाउ।